नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करते हैं उत्तर पूर्वांचल के एक खूबसूरत राज्य के बारे में जो आज काफी अशांत है। मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज हैव बीन सस्पेंडेड फॉर 5 days आफ्टर द ऑनगोइंग टेंशंस। द मणिपुर गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड मोबाइल इंटरनेट व्हाइल सेक्शन 144 हैज बीन इम्पोज्ड इन सम एरियाज। 3 churches in Manipur's Imphal East District tribal colony were evicted and structures demolished at the wee hours of आज मणिपुर जलने का प्रमुख कारण है उसी वहीं के रहने वाले संप्रदाय, जिस संप्रदाय को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्से जिसे प्रमुख संप्रदाय मैथे संप्रदाय, जिसकी जनसंख्या कुल जनसंख्या मणिपुर की आबादी में 64.4% है, और इसकी टोटल लैंड ऑक्युपाइड एरिया जो सेंट्रल वैली ऑफ मणिपुर है जिसकी राजधानी इम्फाल, उसकी टोटल लैंड ऑक्युपाइड एरिया है आपकी 10%। और जब कह सकते हैं, और दूसरी तरफ है भारत सरकार के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया 34 शेड्यूल ट्राइब्स, और इस 34 शेड्यूल ट्राइब्स को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो गया आपका एनी कुकी ट्राइब्स और दूसरी तरफ है एनी नागा ट्राइब्स ऑफ मणिपुर, जिसकी भूगोल की बात करें तो 90% लैंड एरिया ऑक्युपाइड बाय दिस टू कम्युनिटीज, और इसकी जनसंख्या इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर है आपका 35.4%। ये कहानी 2012 से 2012 मणिपुर का हाई कोर्ट में मैते संप्रदाय जो प्रमुख तौर से पॉलिटिकली भी इस्टेब्लिश संप्रदाय, जिसकी आउट ऑफ 60 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स के अंदर 40 सीट्स में मैते संप्रदाय का दबदबा है, और मैते संप्रदाय का जो भाषा बोला जाता है उसी भाषा को मणिपुर लैंग्वेज के नाम से भारत के संविधान 8 शेड्यूल में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसी संप्रदाय के द्वारा 2012 में शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर के नामकरण संगठन के द्वारा 2012 में मणिपुर हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया जाता है, जिस हलफनामा में ये कहा गया कि 1949 से पहले भारत के संविधान के अंदर आने से पहले जो हमारे राज्य मणिपुर जो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, उस समय हमारे सरकार के द्वारा हमारे संप्रदाय मैते संप्रदाय को जनजातिकरण शेड्यूल ट्राइब्स की स्वीकृति दी हुई थी। लेकिन जैसे हमारे प्रिंसली स्टेट को हटा के भारत के संविधान में इसे ऐड किया जाता है, तभी से हमारे जो जनजातिकरण जो अधिकार था वो वंचित हुआ। इस तरह से स्टेट शेड्यूल ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर के द्वारा एक हलफनामा मणिपुर हाई कोर्ट में दिया था, और उन्होंने इस बात को भी प्रमुखता से उठाया था कि उसके चलते 1949 के चलते हमारे जो पूर्वजों के जो इतिहास है, जो हमारे बोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो डायलेक्ट है, उस दिन इस डेटा से विलुप्त होते जा रहा है, जिसका चलते उन्हें अपनी कला संस्कृति को बचाने के लिए एक बड़ी समस्या का सम्मुख होना पड़ रहा है। संप्रदाय जो 1959 में 59% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ मणिपुर हुआ करता था, लेकिन आज इसकी जनसंख्या घटके केवल 44% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रह गया। और इसी कमेटी के द्वारा मणिपुर हाई कोर्ट में ये भी हलफनामा दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर मैते संप्रदाय को जनजातिकरण में ऐड करना चाहिए, एक प्रकार का स्टेट सरकार के द्वारा रिकमेंडेशन लेटर एक फॉरवर्ड होना चाहिए सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट ट्राइबल मिनिस्ट्री को, ताकि आने वाले दिनों में हम अपने जो संप्रदाय के जो और कला संस्कृति और विभिन्न प्रकार के द्वारा हम इसे बचाए रखने में सफल हो। इसी चीज को विरोध करते हुए वहां के जो प्रमुख दूसरे ट्राइब एनी कुकी ट्राइब्स और एनी नागा ट्राइब्स ने भी इसी चीज को विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जो संप्रदाय वेल सेटल्ड और इकोनॉमिकली सोशली पॉलिटिकली जो सेटल्ड है, यदि वो जनजातिकरण मांगते हैं या उन्हें जनजाति दिया जाता है, तो ये एक प्रकार से वहां के 35.4% जनसंख्या के साथ अवहेलना होगा। जो एनी कुकी के जो प्रमुख नेता है जॉन हॉलन हॉकिव
के द्वारा ये भी बताया गया जिस समुदाय के भाषा भारत के संविधान में रिकॉग्नाइज्ड है और मणिपुर के राजनीति में उसकी 40 सीट्स पे उनकी दखल है, यदि इन प्रकार के संप्रदाय को जनजातिकरण दिया गया तो आने वाले दिनों में हमारे जो ट्राइब्स है एनी कुकी ट्राइब्स और एनी नागा ट्राइब्स के बच्चे विभिन्न प्रकार से शोषित होंगे। और दूसरी वजह की बात करें तो आज से करीबन 2022 में वर्तमान का मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के द्वारा 38 विलेज ऑफ चुरनचंदपुर और नाउपी में एविक्शन किया गया। इस ब्रोक आउट बिटवीन विलेजेस एंड द पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग एन एविक्शन ड्राइव इन चुराचांदपुर ऑन मंडे। लोकल्स इन द सोरा एरिया क्लैश्ड विद पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग एन एविक्शन ड्राइव फॉर द टेकिंग सच काइंड ऑफ अ ड्राइव फ्रॉम द अदर एंड ऑफ एविक्शन को भी वहां के प्रमुख नेता एनी कुकी ट्राइब्स और एनी नागा ट्राइब्स के प्रमुख नेताओं ने कहा कि ये भारत के संविधान 371C का खंड है। और इस प्रकार से शुरुआत होती है दो कारणों से आज मणिपुर जलेगी। एक तो हो गई मेथी संप्रदाय के द्वारा जनजातिकरण का मांग और वहां के वन बेंच सिंगल बेंच मणिपुर हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल 2023 को पारित किया हुआ आवेदन जिसमें कहा गया कि मणिपुर सरकार अति शीघ्र ही जो डिमांड है मैथी संप्रदाय का उस रिकमेंडेशन लेटर को अति शीघ्र सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करना चाहिए। ये हाई कोर्ट सिंगल बेंच हाई कोर्ट का फैसला भी एक प्रमुख तौर से एक कारण बना है। और दूसरी वजह जो इवेक्शन किया गया 38 विलेजेस ऑफ चरणचंदपुर और नाउपिन विलेज जो विशेष करके एनी कुकी और एनी नागा ट्राइब्स का बसिंदा था, यहाँ सरकार का कहना था कि अत्यधिक मात्रा में यहाँ जो खेती किया गया पोपी का जो खेत किया है और यहाँ में जो लोगों के बीच में जो ड्रग्स का सेवन है इससे चलते हमारे स्टेट में एक अशांत फैल रहा है, इसकी के चलते वहाँ के सरकार ने वहाँ पे एविक्शन किया था। ये बात हो गई ऐतिहासिक और वर्तमान की वजह क्यों मणिपुर जल रहा है। 3 मई 2023 वहाँ के स्टूडेंट यूनियन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा एक शांति पूर्वक रैली निकलाया जाता है जिसका नाम दिया गया ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च। ये शांति पूर्वक मार्च निकलाया गया था उसके विरोध में कि मैथी संप्रदाय को मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया उन्हें रिकमेंडेशन लेटर राज्य सरकार के द्वारा अति शीघ्र यूनियन गवर्नमेंट को यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री को भेजना चाहिए, इसके विरोध में वहां के ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के द्वारा एक शांति पूर्वक मार्च निकलाया गया था जिस मार्च का नाम दिया गया था ऑल ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च द ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च। और इस शांतिपूर्वक मार्च में होती है आक्रमण जिसके चलते आज मणिपुर अशांत है। सरकार के द्वारा उपद्रवकारी को देखते ही शूट एट साइट की भी ऑर्डर पारित किया गया है और साथ ही 8 डिस्ट्रिक्ट जो आज पूरी तरह से 144 धारा चाल लगाया गया है और साथ ही पूरी तरीके से मोबाइल नेटवर्क की सुविधा बंद है। और इसी बीच मनल बॉक्सर चैंपियन मैरी कॉम के द्वारा एक ट्वीट आता है जिसके द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार के मस्ती है हलवल और इसी द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लॉय किया गया were deployed to control the situation in the state where deploy kiya jata hai Indian Army aur Assam Rifle ke vibhinna tukriyon ko jo aane wale dinon mein Manipur mein shanti bahal karne ke liye ek pramukh bhumika nibhayega। shant mahol mein ek khoobsurat video main aapke sath share karna chahunga ki dekh sakte ho ki of the Methi community from Chuachandpur are being outstanding right now and कुकी संप्रदाय के महिलाओं ने एक ह्यूमन चेन बना के वहाँ जो मैथी संप्रदाय उनके जिले में फंसे हुए मैथी संप्रदाय को प्रोटेस्टर्स के द्वारा कोई भी हानि ना हो और प्रोटेस्टर्स से बचाने के लिए किस तरह कुकी संप्रदाय के महिलाओं ने ह्यूमन चेन बनाया इससे काफी खूबसूरत वीडियो शायद इस पूरी वीडियो में कोई ना हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो आप Facebook